क्या पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत ही जल्द भारत का हिस्सा बनने जा रही है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज नॉट सीइंग एनी साइंस ऑफ डीएस्केलेशन। पीओके में आजादी की मांग तेज हो गई है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री इज कमिटेड टू एंश्योर पीओके व्हिच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया रिटर्न्स टू इंडिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आग लगी है। ये आग पीओके के आम जनता और पाकिस्तानी सरकार के बीच में लगी है। आप अगर भारत के साइड से हो तो इस एरिया को आप पीओके के नाम से जानते होंगे, पर पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बुलाती है। चलिए आजादी की कुछ सीन्स हम देख लेते हैं। ये थी आजादी की कुछ नजारे। हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक बहुत ही शांतिप्रिय मुल्क है, जो शांति और अमन के लिए अपने ही लोगों के ऊपर ब्रूटल मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस उतार सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। फ्रंटियर कॉप्स, रेंजर्स और QRF यानी क्विक रेस्पॉन्स फोर्सेस को मासूम जनता के ऊपर भूखे कुत्तों की तरह छोड़ सकते हैं। तो क्या इसका मतलब आम जनता ने कोई संगीन अपराध किया था? क्या है उनकी गलती? उनकी गलती बस इतनी है कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? पिछले साल पाकिस्तान ने एज यूजुअल IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसे मांगे थे, आसान भाषा में भीख मांगे थे। इन रिटर्न IMF कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि पाकिस्तान को मनी मैनेजमेंट अच्छे से करनी होगी। बट गेस पाकिस्तान ने क्या किया? ज्यादातर पैसे उन्होंने अपने मिलिट्री पर लगा दी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर मिलिट्री के पास देश है, ना कि देश के पास मिलिट्री। और इस मैसिव मिलिट्री जायंट को चलाने के लिए पाकिस्तान को चाहिए बेशुमार दौलत। अब क्योंकि पाकिस्तान ने लोन लिया है तो पाकिस्तान को इसकी इंटरेस्ट भी चुकानी पड़ेगी। तो इन्होंने पाकिस्तान के आम जनता को निचोड़ना शुरू किया, जिसमें पीओके के कश्मीरी भी शामिल थे। बिजली के बिल्स को 100% से 200% तक बढ़ा दिया गया। इन्फ्लेशन रेट 20% तक बढ़ चुकी है। लोगों को आम से आम सामान भी महंगे दामों में मिल रही है। पॉवर्टी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट गेस व्हाट, पाकिस्तान गवर्नमेंट डजंट केयर। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि आजाद कश्मीर एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट है, मतलब वो अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही संभालेंगे। पर ये तो बस पेन और पेपर में दिखाने की कोशिश करी जाती है। 1949 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर सीज फायर करी गई थी, उसी समय से पाकिस्तान पीओके से भरपूर फायदा उठा दी जा रही है, वहां के रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके। और अगर बिजली की बात करें तो पीओके हर साल एवरेज 280 गीगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जो पूरे पाकिस्तान में भेजी जाती है। हिसाब के तौर पे पीओके को उल्टा पैसा मिलनी चाहिए, पर असलियत में उन्हीं के एरिया से जनरेट की गई बिजली उन्हीं को हाई टैक्स के साथ बेची जा रही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होते हैं, तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक MP फजल उर रहमान ओपनली पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रही है। चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या बहुत ही जल्द पीओके भारत का हिस्सा बनने जा रही है? मैंने हाल ही में X.com यानी फॉर्मली जो ट्विटर कहा जाता था, उसमें एक वीडियो देख रहा था जहां पे पीओके में प्रोटेस्ट के दौरान एक इंडियन फ्लैग देखने को मिली। इनफैक्ट कुछ समय पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक स्टेटमेंट पास किए थे जहां उन्होंने ये कहा था कि पीओके बहुत ही जल्द भारत का हिस्सा बन जाएगा और हमें कोई भी फोर्स की इस्तेमाल नहीं करनी होगी। आम जनता को ये लगा था कि शायद सामने इलेक्शंस आ रही है तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स बताए जा रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। अब शायद हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रही है। पीओके में बिजली को लेकर समस्या कई महीनों से चल रही थी। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, पर प्रॉब्लम्स उल्टा बढ़ चुकी है। इसलिए पीओके के आम जनता एक पीसफुल मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं। पर पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो उन्हें सबसे अच्छा आता है,
उन्होंने इन मासूमों के ऊपर पुलिस को भूखे कुत्तों की तरह छोड़ दिया। कुछ 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, स्टूडेंट एक्टिविस्ट और ट्रेड यूनियंस के लीडर्स भी शामिल थे। जवाब में लोकल कश्मीरियों ने पुलिस को आगे बढ़ने से रोका, उनके गाड़ियों को पलटा दी। माहौल को हाथ से निकलते देख इस्लामाबाद ने एक बड़ा सेना भेजा। टियर गैस फेंकी गई। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पास के एक स्कूल में दो बच्चियों ने अपनी जान गंवा दी। ये है आजाद कश्मीर। अब अगर ओवरऑल बात करी जाए तो सिर्फ यही फैक्टर नहीं है पीओके की भारत में मर्ज होने की। पाकिस्तान कर्जे में डूब चुकी है, चाहे वो आईएमएफ की लोन हो या चाइना का कर्ज। अब पाकिस्तान इनको चुकाएंगे कैसे ये हमें नहीं पता, हम इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। बस वही होने वाला है जो पाकिस्तान हमेशा से करते आ रहे, अपने ही लोगों को पीस कर पैसा उठाएंगे। इनफैक्ट इनके पर कैपिटल जीडीपी $1700 के आसपास ही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार ये नंबर्स आने वाले दिनों में घटने ही वाली है, जो $1400 के नीचे जाने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में भारत दुनिया में 5th लार्जेस्ट है, पर कैपिटल जीडीपी देखा जाए तो भारत कुछ खास नहीं है, बस $2200 के आसपास ही है। पर रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक पर कैपिटल जीडीपी $4000 तक पहुंचने वाली है और नॉमिनल जीडीपी में भारत 3rd पोजीशन में आने वाली है। अब अगर पीओके के कश्मीरियों की बात करें तो वो भी कई सालों से इंडियन साइड के कश्मीर की डेवलपमेंट्स को देखकर ये सोच रहे होंगे कि यार हमने क्या गलती करी थी कि हमें पाकिस्तान का साइड मिला। एनीवे, अब कमेंट्स में बताइए कि क्या पीओके भारत का हिस्सा बहुत ही जल्द बनने वाला है। मतलब बनेगा तो जरूर, पर आप कमेंट्स में ये बताइए कि बहुत ही जल्द बनने वाला है कि नहीं। एनीवे, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।